यहाँ पे ये दे क्लेम कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंपसेस आते हैं भोपाल के, TIT जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पास अंबानी जितना पैसा नहीं है अपने पेरेंट्स के पास, तो आप प्रेफर करो गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना, दे विल ट्रीट यू लाइक अ एंजल, ठीक है। आपको उस टाइम तो सभी, मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज का नहीं बोल रही हूँ, जितने प्राइवेट कॉलेज होंगे ना वहां पे आपको सब में यही ट्रीटमेंट मिलेगा आपने अगर। सो हे गाइस, वेलकम टू न्यू व्लॉग। और गाइस, आज मैं जा रही हूँ कॉलेज, और ये वही कॉलेज है जिसको मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं करता, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं। गाइस, लास्ट मैंने जो TIT व्लॉग वाला एक जो व्लॉग बनाया हुआ था, वीडियो बनाया हुआ था, उसे मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई, क्योंकि अभी एडमिशन का टाइम है तो बहुत सारे लोग ना जानना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी इंटरनेट पे बहुत इजी सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो बहुत सारी क्वेरीज आई, तो मैं लास्ट में बैठ करके मैं उस ब्लॉग के जो कमेंट्स आए थे, बहुत सारे कमेंट्स आए थे, लोग बहुत ज्यादा ना ऐसे परेशान थे कि यार हम कहाँ एडमिशन लें, तो वो भी मैं बताऊंगी। बाकी अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज यार, और फटाफट होते उसके लिए रेडी। सो गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ, और ना चाहते हुए भी मेरे को ये टी शर्ट डालनी पड़ी। ये मैं अपनी जिंदगी में पहली बार पहन रही हूँ, और जब मैंने एडमिशन लिया था तो ये शर्ट पहनने का ना मेरा सपना था कि यार लाइक आई एम गोना वियर दिस शर्ट, लेकिन अब मुझे इससे इतनी ही ज्यादा एलर्जी टाइप हो रही है। तो गाइस, अभी मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ यार वाइवा के लिए, तो फटाफट चलती हूँ कॉलेज, और वहाँ पे क्या सीन होंगे वहाँ पे मैं बताती हूँ। भाई कैसी लग रही हूँ मैं? ये लोग इतना गंदा रिएक्ट कर रहे हैं, हंसी हंस जा रहे हैं बस। चले कॉलेज जाने। तो गाइस, मस्त शर्ट वर्ट पहन के अपन आ चुके हैं कॉलेज, और मैं जा रही हूँ अभी MBA बिल्डिंग में। और गाइस, यहाँ पे एक घंटे बैठने के बाद एक्सटर्नल आए, मतलब 4 बज गए थे, हम लोग क्वालिटी 3 बजे बुला लिया था, और मैं यहाँ पे इतनी बोर हो गई थी ना, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी, बट फिर भी मैंने यहाँ पे वेट करा, क्योंकि यार वाइवा तो देना था, नहीं तो अगले साल आके कौन देगा वाइवा, इतना परेशान होके। गाइस, अपना वाइवा हो गया है, ठीक है, और वाइवा तुम्हारी बहन का बहुत शानदार हुआ है, और एक बहुत ही तगड़ा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ आज लाइफ में, ठीक है। ये फीलिंग ना मेरे को पहली बार मिली, और ये फीलिंग मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो घर पहुँचते फटाफट फिर बताती हूँ कि क्या सीन हुआ अभी। वो मतलब ऐसे गुगलिंग टाइप की फीलिंग है, और जहाँ पे जो वाइवा के साथ है, बहुत बहुत प्यारा सा इंसिडेंट हुआ है, तो घर जाके बताती हूँ। तो भाई, अपन घर आ चुके थे अभी, ठीक है, तो और बज गए थे कितने, 6:45 बज रहे हैं अभी, ठीक है। तो अब जिम तो जाने का रहा नहीं, जिम तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो मैं सोचा कि यार भाई और मैं कहीं घूम के आते हैं, क्योंकि यार बहुत बोर हो जाते हैं घर में बैठे बैठे, क्योंकि मेरा काम पूरा घर का रहता है, और एक बार मैं काम में घुसी तो मेरे को बच जाता है रात के 2, तो बस यही वाला सीन है। मिस्टर से बात हो रही थी मेरी, मिस्टर का जानते बेल्ट में, तो वही ब्लॉग वगैरह के बारे में बात हो रही थी, और बात खत्म हो गई। अब चलो यार, मैं कहाँ जाती हूँ देखते हैं। गाइस, मैं घूम घूम के इंद्रपुरी आ गई हूँ, क्या अब मैं शाउटिंग इन पब्लिक करने वाली हूँ। अभिषेक मैं तुम्हें माफ नहीं करूँ, वांछी इतना एम्बेरस हो जाता है हर बार, है ना, क्या मैं शिवराज मामा से ही बोलना चाहती थी, मैं जब जब इंद्रपुरी आऊँ तो गटर बंद करवाएं, इतना गटर ही गटर हो रहा है हर जगह, फिर ना रोड खोदे पड़े हुए हैं, रोड ब्लॉक चल रहा है। एक भाई बोल रहा है फुल्की खाने आए यहाँ पे, आई हूँ अभी, इसके बाद वो फुल्की तो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे देखो दूध मिल रहा है, मतलब ये बहुत अलग चीज़ है। और इस पर यहाँ पे ना मैं एक डिश ट्राई करूंगी जिसको कहते हैं राज कचौड़ी करके कुछ है, तो वो ट्राई करते हैं अभी, ये अच्छी मेरे को चाट जैसा लग रहा है, सैलेड चाट जैसा, लेकिन ये हेल्दी है, इसमें ना फ्रेशनेस है। कभी क्वालिटी की साइड आओ ना, और बात तो 60 रुपए का है इजी। सॉरी गाइस, ये जो व्लॉग है वो आगे का जो आप अभी अब देख रहे हो वो मैं नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ, क्योंकि ना उस दिन मेरे को टाइम नहीं मिला,
और फिर आते आते मेरे भाई का और मेरे को थोड़ा सा चिल विल करते करते 7 बज गए थे। तो फिर यार 7 बजे से 7:30 से वैसे मेरा काम रहता है नहाया वगैरह, फिर मेरे को वो 1-2 बज गए से मैं शूट नहीं कर पाई थी। सो ये नेक्स्ट जगह ब्लॉग देख रहे हो आप, तो मैं आप लोग को ना एक बहुत वो बढ़िया सा इंसिडेंट बताने वाली थी। अभी मेरी एक्साइटमेंट कम होगी क्योंकि फिर मैंने घर वालों को बताया तो मेरे घर वालों ने थोड़ा ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, लाइक है मतलब उनको बहुत नॉर्मल लगता, उनको लगता है मैं ऑलरेडी सेलिब्रेट। तो गाइस पता क्या हुआ था, तो वाइवा जब मैं दे रही थी तो क्या हुआ था कि ऐसे तो 10-10 का ग्रुप गया था वहाँ पे, ठीक है, तो 10-10 का ग्रुप गया था तो वहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी फोन वगैरह सब बाहर रखवा दिए थे। और इसका जो मैम बैठी थी ना वो मुझे ऑलरेडी जानती थी क्योंकि वो हमारी डिपार्टमेंट की मैम थी। तो जो वाइवा वाले थे, जो सर लेने आया था कि सबने पूछा कि किस किस की जॉब लगी यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा था कि हम लोग का जो बैच था ना वो बहुत इंटरेक्टिव था क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे कि जो अच्छे से मतलब दे हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन, तो हम लोग अच्छे से बात करते थे, इंटरेक्टिव ग्रुप था ओवरऑल। इसके बाद फिर बात निकली आगे तो उनने बोला कि किस किस की जॉब लगे, क्योंकि अब भाई मैं तो जॉब अब करती नहीं हूँ, ठीक है, अपना फ्रीलांसिंग है कम है और जॉब मेरे से कभी जिंदगी में हो भी नहीं सकती अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं किसी की सुन नहीं सकती यार, मैं क्यों सुनूं, मतलब ऐसा वाला एटीट्यूड नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगता है मेरे से नहीं है जॉब वगैरह जो चीजें ना मेरे लिए नहीं है, मतलब अगर काम भी मेरे पास ज्यादा आ जाता मुझे पता है कि मेरे को उससे पैसे मिलेंगे लेकिन ना मैं नहीं कर पाती क्योंकि मुझे प्रेशर वाली चीजें बिल्कुल मेरे से हैंडल नहीं होती है। कोई मुझसे बोले यहाँ तो मैं बैठा है 8 घंटे तो मेरे से ये सब नहीं होगा भाई, मैं अपने फ्रीलांसिंग में बहुत खुश हूँ और मैं इतना कमा लेती हूँ भाई जितना शायद जॉब वाले 2 महीने में भी नहीं कमा पाते होंगे, और ये सच है, जोक नहीं। सर ने ऑलरेडी पूछा था कि यार किसकी कितने की डिग्री चल रही थी, मैंने बोला सर मैं 80% की डिग्री चल रही है, वहाँ पे सबसे हाई परसेंटेज मेरी थे। तो सर ने पूछा कि अच्छा तुम्हारे 80% क्या तब भी तुम जॉब नहीं करती हो, तो फिर देन आई टोल्ड हिम कि सर आई एम अ फ्रीलांसर। तो गाइस जितना इंटरव्यू चला, मतलब इंटरव्यू बोल रही हूँ यार, जितना पूरा वाइवा चला ना वो वाइवा मेरे ही अराउंड चला कि सर वॉज वेरी इंटरेस्टेड कि मैं क्या करती हूँ, सर इज लाइक कि अच्छा तुम क्या करती हो, मैं सर आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, अच्छा यूट्यूबर हो कितने सब्स है, मैं 14,000 भाई, जबकि घंटा कुछ यूट्यूब से मिलता नहीं है, ठीक है, जितना कभी कभी ऐसे बाहर जाने में वीडियो में उड़ जाते ना उतने पैसे भी नहीं मिलते, सच बता रही हूँ ये। तो यूट्यूब का उन्होंने बोला अच्छा ऐसे जानते हो, अच्छा मतलब जितना पूरा वाइवा चला ना वो मेरे अराउंड चला, वॉज फीलिंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन दैट टाइम, तो मेरे को बड़ा एक बहुत एकदम ऐसे ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही थी। तो बस यही केस था, फिर जब मैं फिर बाहर निकली और ऑलरेडी मैं यार एक ईयर की स्टूडेंट हूँ, मतलब मैं कॉलेज जाती नहीं, नॉन अटेंडिंग हूँ, तो वहाँ पे जितने लोग पूछ रहे थे ना तो सब लोग ऐसे सब लड़कियाँ बाहर या वाह, तो मेरे को इतना अच्छा फील हुआ, मैं यार चलो यार कुछ तो गया लाइफ में। तो बस यही वाला सीन था, यही चीजें थी तो मुझे तो मेरे को बतानी थी, तो बस वही था यार, एक वो फीलिंग होती है ना शेयर करने वाली। हाँ और गाइज एक और बहुत बड़ी गुड न्यूज है, ठीक है, मैं फ्रीलांसर तो हूँ गाइज, और तुम लोग मुझे बहुत लोगों को नहीं पता है कि यार मैं इंटरनली बैक हैंड कितना काम करती हूँ। जैसे इंस्टाग्राम यूट्यूब तो तुम लोग देख रहे हो कि यार इंस्टाग्राम यूट्यूब ऐसी चीज है कि ये बड़े एप्लीकेशन है, ठीक है, तो तुम लोग को पता है कि यार कि यहाँ पे क्या है, मतलब ये फेम वगैरह क्या है। मैं बहुत एप्लीकेशन के लिए काम करी हूँ और अभी भी मैं करती हूँ, मैं मौज हो गया, ठीक है, अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मैंने बहुत एप्लीकेशन के लिए काम करे, कैटलॉग शूट हो गए, कितनी चीजें करती हूँ यार मैं। तो एक बहुत बड़ी न्यूज है, वो जब चीजें हो जाएंगी ना तो तुम लोग मुझे एक प्रमोशन के लिए भी देखोगे जो कि डायरेक्टली यूट्यूब पे, जैसे कि आप स्किप कर सकते हो ना एड, वहां पे आएगी। तो अभी थोड़ा सा वो चीजें हो जाए इसके बाद मैं आप लोग से वो जरूर शेयर करूंगी, सो आई एम वेरी मच हैप्पी। ये चीज मैंने अपने भाई को बताई, अभी मैंने पापा मम्मी को भी नहीं बताई, उससे पहले मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। तो बस बहुत बड़ी गुड न्यूज है यार मेरे लाइफ के लिए, ठीक है, और मैं हर एक चीज में सेलिब्रेट करती हूँ और बस खुश रहती हूँ यार। सो बस ये था आज की चीजें। और गाइस लास्ट मैंने जब TIT वीडियो डाली थी तो उसमें आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस करे थे, ठीक है, जो कि मैंने कमेंट्स में देखे, ऑलमोस्ट आप लोग बहुत सारे लोग ना बहुत ज्यादा परेशान थे कि यार मैं क्या क्या चीजें, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना स्टूडेंट्स को नॉलेज नहीं होता। जब मैं अपने कॉलेज टाइम में थी तब मुझे भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार कैसे हमें एडमिशन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उसमें से कुछ जो सिलेक्टिव क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है या वो एक क्वेश्चन से बहुत सारे लोग का भला हो सकता है, तो वो मैं आपको आंसर करने वाली हूँ अभी। हाँ तो मैं आप लोग एक चीज बता दूंगा, TIIT कॉलेज से मैंने अपना MBA कंप्लीट कर लिया है फाइनली, वाइवा भी कंप्लीट मेरा हो चुके हैं, मैं फाइनली पोस्ट ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। हाँ तो पर्टिकुलरली फील्ड का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ यहाँ पे ये देख लें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कैंपसेस आते हैं भोपाल के। लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज बता दूँ, मैं एक चीज और सॉर्ट करना चाहती हूँ कि यार कॉलेज के रिगार्डिंग,
कि गाइज जो कॉलेज है PIT जो है वो प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। और मैं हमेशा से आपको बोलती हूँ कि अगर आपके पास अम्बानी जितना पैसा नहीं है अपने पेरेंट्स के पास, तो आप प्रेफर करो गवर्नमेंट कॉलेज का, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे ना, दे विल ट्रीट यू लाइक अ एंजल, ठीक है। आपको उस टाइम तो सभी, मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज का नहीं बोल रही हूँ, जितने प्राइवेट कॉलेज होंगे ना वहाँ पे आपको सब में यही ट्रीटमेंट मिलेगा। आपने अगर बहुत सारे लोग अगर 12th वाले देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि यार आपको इवन चाय पिला रहे होंगे, बिस्किट खिला रहे होंगे, कुकीज ऑफर कर रहे होंगे, इवन दे ऑफरिंग टेम्पो की भाई वहाँ कैंपस इतना बड़ा था, यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए भी आपको टेम्पो की मतलब या फिर कोई 4-wheeler 3-wheeler का आपको सहारा देंगे, मतलब दे विल ट्रीट यू लाइक एन एंजल। तो आप इस चीज में मत आओ, ठीक है। और अगर आपको पैसा नहीं है तो मैं आपको फिर बोलूंगी कि यार कोशिश करो कि गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि अभी काउंसलिंग चल रही है, 3rd काउंसलिंग आई गेस चल आ रही है, और इसके बाद CLC राउंड भी होता है, ठीक है। एडमिशन का सिर्फ यही प्रोसीजर है। अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो मैं आपको यही चीज प्रेफर करूंगी कि आप पहले 1st, 2nd, 3rd काउंसलिंग भरो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, काउंसलिंग में आपने शुरू के जो 3 कॉलेज या 5 कॉलेज में गवर्नमेंट कॉलेज भरना, ठीक है। वो MP ऑनलाइन वाला, अच्छे MP ऑनलाइन के पास जाना, आपको बता देगा कि भाई इस कॉलेज में BSc, अगर आप BSc कर रहे हो, इस कॉलेज में BSc है या नहीं है। नूतन में एग्जांपल, नूतन में BSc है, ठीक है। न्यूट्रिशन से BSc है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो भी होती है, या ऑर्थोपेडोलॉजी, मतलब बहुत सारे जो ऑनर्स होती है, BSc ऑनर्स, BSc कंप्यूटर, या BBA होगा, मतलब ऐसे कॉलेजेस में ये सब चीजें हैं अवेलेबल। तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, पहले कॉलेज तक भरो, ठीक है। आप एक चीज याद रखो, प्राइवेट कॉलेज वाले आपको बताऊं क्या बोलेंगे, अरे बेटा सीट खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। तो इस चीज में बिल्कुल मत आना, ठीक है। इवन दो अगर आप अक्टूबर तक में भी एडमिशन लो ले लोगे ना किसी प्राइवेट कॉलेज में, वो हंस के दे देगा। और अगर आप मान लो एग्जाम्पल कोई ए प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हो, ठीक है, उसकी बड़ी रेपुटेशन है, आखिर एट द एंड ऑफ द डे उसकी जो डिग्री है ना वो BU से ही मिलेगी, ठीक है। भले बड़े बड़े कॉलेज ले लो आप, आखिर अगर वो प्राइवेट है, बस प्राइवेट कॉलेज में तो जाते हैं कि हम इस वाले प्राइवेट कॉलेज का अच्छा क्यों बोल रहे हैं, उसका सिर्फ यही रीजन है कि यार उसमें पैसे ज्यादा लगे होंगे बनने में, वो दिखता अच्छा होगा बाहर से, ठीक है, अच्छा अंदर से अच्छा दिखता होगा, लैब वगैरह अच्छी होंगी। तो इन सब चीजों में मत आना यार। तो मैं आप लोग को वापस सजेस्ट करूंगी, अगर आप लोग अभी आपका एडमिशन नहीं हुआ है और अगर आप कोई कॉलेज ढूंढ रहे हो, तो अपनी कॉलेज लेवल काउंसलिंग भरो, ठीक है, अभी 3rd राउंड भरो, ठीक है। अगर आपके 60% है या 50% है तो वेट करो CLC राउंड। अब CLC राउंड क्या होता है, आपने काउंसलिंग भरी, लेकिन CLC राउंड के लिए भी याद रखना हमने काउंसलिंग भरी होनी चाहिए। अगर आपने काउंसलिंग भरी होगी ना तभी वो पेपर ले जाकर के आप अपना CLC में भर सकते हो। अब CLC में आपको जाके पता करना पड़ेगा कि भाई नूतन की CLC कब चल रही है, या करियर कॉलेज की CLC कब, नूतन की CLC कब चल रही है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज की CLC कब चल रही है, मतलब कॉलेज राउंड काउंसलिंग कब चल रही है, तो वहां पे जाके भरो, सब में जाके नाम भरो, थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये वाला सीन रहेगा इसमें। तो अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तो प्राइवेट कॉलेज प्रेफर करने से बेहतर है CLC राउंड तक जाओ। अगर वहां पे नहीं होता है, मान लो जैसे कि अभी चल रहा है अगस्त, ठीक है, अगस्त लास्ट तक भी नहीं हो रहा है, तो इसके बाद के भटको किसी प्राइवेट कॉलेज में, अगर आप पे उतना पैसा नहीं है, बट ठीक है, ठीक है, वो थोड़ा बहुत नाटक नौटंकी करेंगे कि आप इतना लेट क्यों आए, तो डरना नहीं है यार, मतलब आप पैसे दे रहे हो उस कॉलेज को भी, सिंपल एकदम कॉन्फिडेंट होकर के बात करो। बिकॉज आई फील यार कोविड के बाद से जो एजुकेशन सिस्टम रह गया है, तो वो प्रॉपर यार प्रॉपर बिजनेस है यार, हमारे इमोशंस की किसी को कोई परवाह नहीं है, हम कहाँ से पैसे ला के भरेंगे उसकी किसी को परवाह नहीं है। तो ये सब चीजें, क्योंकि मैं एक प्राइवेट स्टूडेंट ही रही हूँ शुरू से लेकर अभी तक, तो ये सब चीजें मैंने फेस करी है। और ऐसा था कि ग्रेजुएशन के टाइम पे तो हम फ्री रहते थे, हमारे पास सिर्फ एजुकेशन के अलावा कुछ काम नहीं रहता था। इवन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, इवन 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स उनको बोला होगा कि भाई तुम सिर्फ पढ़ाई करो, ग्रेजुएशन तक सिर्फ पढ़ाई करो। तो अगर तुम इतने फ्री हो तो यार उस टाइम तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा बहुत ऐसा ही कि क्या कहते हैं, आप अगर आप चूज ही करो तो फिर अच्छा ही करो ना, मतलब गवर्नमेंट ही लो, ठीक है। और बाकी गाइज मुझे क्वेश्चन में यही सब चीजें थोड़ी सी शेयर करनी थी, मतलब मेरे को मोस्ट ऑफ दी यही चीजें लगी कि यार लोग प्राइवेट कॉलेज को प्रेफर कर रहे हैं। तो लोग, मैं आपको यही बोलूंगी कि लास्ट में मेरा जो कंक्लूजन है वही चीज है कि CLC राउंड तक खेलो, अगर नहीं होता इसके बाद कुछ चूज करना, ठीक है। आई होप गाइज कि ये थोड़ा सा वैल्यूएबल व्लॉग हो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार आपकी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार हम क्या करें क्या नहीं करें। और गाइज अगर कुछ भी क्वेरी हो तो यू कैन डेफिनेटली DM, मतलब या आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बोल सकते हो, या फिर आप मेरे को यहीं पे कॉमेंट्स में बोल देना, मैं आपको सभी को रिप्लाई कर दूंगी,
कुछ भी अगर चीजें हो, ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है कि यार हेल्प कर देना चाहिए अगर मुझे थोड़ा सा नॉलेज हो। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप यू हैव लव्ड इट एंड आई होप कि इसमें थोड़ा सा वैल्यू मैंने ऐड करी। मैं मिलूंगी ऐसी शानदार नेक्स्ट व्लॉग में गाइज, और गुड न्यूज बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में कि क्या गुड न्यूज है। सो मैं मिलती हूँ क्या फंबल करती हूँ। ओके गाइज बाय, टेक केयर गाइज, लव यू ऑल।